भिलाई, श्री राधा कृष्ण पिल्लई सचिव छत्तीसगढ़ एथलेटिक संघ भिलाई, श्री रविन्द्र बाबू सदस्य छत्तीसगढ़ प्रदेश वॉलीबॉल संघ रायपुर, श्री मनीष श्रीवास्तव सचिव छत्तीसगढ़ हॉकी राजनांदगांव, सुश्री मिताली कोष सचिव छत्तीसगढ़ बेसबॉल संघ बिलासपुर, श्री विनायक राव धर्मवाद सचिव छत्तीसगढ़ साइकिल पोलो संघ भिलाई, श्री अरविंद सिंह सचिव छत्तीसगढ़ प्रदेश बॉडी बिल्डर संघ भिलाई और श्री योगेंद्र पांडे जी अध्यक्ष। श्री एस भारतीदासन जी कलेक्टर रायपुर को हम आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए। श्री शेख आई हुसैन जी को हम आमंत्रित करते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए। और इसके बाद स्वागत की महोदय से निवेदन करते हैं रुस्तम जी को हम आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए। रुस्तम सारंग जी आमंत्रित हैं। और समाज की कड़ी को बरकरार रखते हुए अब माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं हमारे वीर मंचस्थ हैं। हमारे वीर शहीदों के परिजन उनके सम्मान के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं। अरे यार, शहीद राजीव पांडे जी के पिता कर्नल श्री आर पी पांडे जी और माता श्रीमती शकुंतला पांडे जी के सम्मान के लिए माननीय श्रीमती अनिला बेडिया जी मंत्री छत्तीसगढ़ शासन,
माननीय श्री जयसिंह अग्रवाल जी मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय श्री श्रीमती आया वर्मा जी सांसद राज्यसभा, माननीय श्री सुनील सोनी जी सांसद लोकसभा रायपुर, माननीय श्री सत्यनारायण शर्मा जी विधायक रायपुर ग्रामीण, माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी विधायक रायपुर दक्षिण, माननीय श्री कुलदीप जुड़ेजा जी विधायक रायपुर उत्तर, माननीय श्री विकास उपाध्याय जी विधायक रायपुर पश्चिम, माननीय श्रीमती शारदा देवी वर्मा जी अध्यक्ष जिला पंचायत, माननीय श्री प्रमोद दुबे जी महापौर नगर पालिका निगम रायपुर, माननीय श्री देवेंद्र यादव जी महापौर भिलाई, हमारे बीच मंचस्थ शहीद परिवार के परिजनगण उपस्थित, हमारे बीच बड़ी संख्या में खिलाड़ीगण मंचस्थ खेल संघ से आए हुए हमारे विभिन्न पदाधिकारीगण खिलाड़ीगण एवं रायपुर शहर के उपस्थित सभी शहर के वासी। मैं सर्वप्रथम इस अलंकरण समारोह में हमारे जो शहीद हमारे पंकज विक्रम जी है, शहीद विनोद चौबे जी, शहीद राजीव पांडे जी, शहीद कौशल यादव जी, शहीद हनुमान सिंह जी, इनका मैं सर्वप्रथम नमन करता हूँ। इनके परिजन हमारे बीच उपस्थित है, उनका मैं स्वागत करता हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा आज ये खेल अलंकरण समारोह आयोजित है। इसमें मैं माननीय अतिथियों को अवगत कराना चाहूँगा कि वर्ष भर में जो हमारे मेडल प्राप्तकर्ता जो खिलाड़ी होते हैं उनको शासन की ओर से प्रोत्साहन के रूप में जो राशि दी जाती है और उनको जो प्रशस्ति पत्र दिया जाता है वो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से दिया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री खेल मंत्री जी की मंशा थी कि हमारे खिलाड़ियों के लिए हम लोगों ने जो अधोसंरचना बनाई है उसका अच्छा सदुपयोग हो और बच्चों को अच्छे से अच्छे प्रशिक्षण मिले, उनके लिए अच्छे से अच्छे जो इक्विपमेंट की मांग आप लोगों की होती है और विभिन्न प्रकार की जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट होती है समय समय में उसको विशेष ध्यान दिया जाए, तो उसके लिए ही विभाग के द्वारा विभिन्न प्रस्ताव तैयार किए गए थे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि गत 15 दिन में शासन के द्वारा दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, कैबिनेट से अप्रूव किए गए हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है कि छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण का गठन होगा, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से खेल से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं उसको पूरा संचालन उसके माध्यम से किया जाएगा। दूसरा जो निर्णय हमारे शासन ने जो लिया है, जो अभी दो दिन पहले कैबिनेट में जिसका निर्णय हुआ था, वो ये है कि हमारे खिलाड़ियों की हर वक्त सबको महसूस होता है कि उनको अच्छा प्रशिक्षण नहीं मिल पाता है, कई बार उनको इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, समय पे इक्विपमेंट नहीं मिल पाते हैं। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार कॉम्पिटिशन होती है तो उस प्रकार का कॉम्पिटिशन के हिसाब से हम लोग ट्रेनिंग उपलब्ध नहीं करा पा रहे, तो एक महत्वपूर्ण निर्णय शासन ने लिया। कुमारी भाविका राम सिंह के बिलासपुर को हैंडबॉल के लिए आपको भी 3 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। 5 सीनियर राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप में 1 रजत, 1 कांस्य और 3 बार भागीदारी के लिए। और अब संयुक्त रूप से हम आमंत्रित कर रहे हैं कुमारी स्वाति साहू जिला बलौदाबाजार और कुमारी पिंकी साहू रायपुर को, आप दोनों को आपके केनोइंग के लिए 3 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है। राष्ट्रीय केनोइंग स्प्रिंट चैंपियनशिप में 2 कांस्य और 2 बार भागीदारी के लिए। अब हम आमंत्रित करते हैं श्री अनूप चौधरी बिलासपुर को फेंसिंग के लिए, आपको 3 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जा रही है। सीनियर राष्ट्रीय फेंसिंग चैंपियनशिप में 1 कांस्य और 3 बार भागीदारी के लिए श्री अनूप चौधरी। नॉर्थ ओलंपिक खेल कुमारी अनिशा नायर जिला रायपुर आमंत्रित हैं। रोल बॉल के लिए आपको 3 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। वर्ल्ड कप प्रतियोगिता ढाका बांग्लादेश में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 1 स्वर्ण, सीनियर राष्ट्रीय रोल बॉल प्रतियोगिता में 2 रजत और 1 कांस्य पदक के लिए कुमारी अनिशा नायर। हम आमंत्रित करते हैं श्री सुनील राज बिलासपुर को सॉफ्ट बॉल के लिए, आपको 3 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। 2 बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता इंडोनेशिया और कनाडा में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण आपने प्राप्त किया है। ध्यान रहे आप सभी को शहीद राजीव पांडे पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है।
शहीद राजीव पांडे रायपुर निवासी भारतीय सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट थे और सियाचिन ग्लेशियर स्थित चौकी को कब्जा करने के दौरान आग शहीद हो गए। इन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। और अब हम आमंत्रित करते हैं शहीद कौशल यादव पुरस्कार 2018-19 के लिए कुमारी स्टेसी ध्रुव को जिला धमतरी। पैरा जूडो के लिए आपको 1,50,000 का पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। राष्ट्रीय ब्लाइंड जूडो चैंपियनशिप में एक स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य के लिए आपको आज अलंकृत किया जा रहा है। कुमारी स्टेसी ध्रुव ओलंपिक खेल के लिए आमंत्रित है। श्री ईशांत यादव बिलासपुर फेंसिंग के लिए आपको 1,50,000 रुपए का पुरस्कार आज प्रदान किया जा रहा है। जूनियर फेंसिंग राष्ट्रीय प्रतियोगिता में एक स्वर्ण और एक रजत पदक के लिए श्री ईशांत यादव। अब आमंत्रित है श्री शिखर सिंह बिलासपुर वॉलीबॉल के लिए 1,50,000 रुपए का पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता बहरान में भारत का प्रतिनिधित्व और टीम पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भागीदारी के लिए श्री शिखर सिंह। अब हम आमंत्रित करते हैं श्री विजय कुमार गोलाई को जिला रायपुर। कयाकिंग चैलेंज के लिए आपको 1,50,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप में एक रजत और एक कांस्य के लिए श्री विजय कुमार गोलाई। अब हम आमंत्रित करते हैं कुमारी वीणा ठाकुर जी को जिला बालौद से। वेट लिफ्टिंग के लिए आपको 1,50,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। जूनियर राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में एक कांस्य और एक बार भागीदारी के लिए। नॉर्थ ओलंपिक खेल श्री निखिल नायक जिला रायपुर से आमंत्रित है। सॉफ्ट बॉल के लिए 1,50,000 रुपए का आपको पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। दो फुटबॉल के लिए
बलविंदर कौर, कुमारी बलविंदर कौर मिलादुर 25,000 रुपए की राशि कॉफी के लिए। श्री बैठक से चंद्रेश मिलादुर कॉफी के लिए 25,000 रुपए की राशि। शहीद पंकज मित्रा सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है इन खिलाड़ियों को। श्री रविंद्र कुमार मिलापोवा कबड्डी के लिए राशि 25,000 रुपए की राशि आपको भेज दी जा रही है। श्री सिकंदर मिलादुर खो खो के लिए 25,000 रुपए की राशि। कुमारी कविता साहू मिलादुर खो खो के लिए आपको 25,000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। श्री प्रकाश विश्वकर्मा मिलादुर नेटबॉल के लिए 25,000 रुपए की राशि। शहीद पंकज विक्रम सम्मान श्री प्रकाश विश्वकर्मा। कुमारी अस्मा खान जिला रायपुर को शहीद पंकज विक्रम सम्मान नेटबॉल के लिए 25,000 रुपए की राशि। सीनियर राष्ट्रीय नेटबॉल प्रतियोगिता में एक स्वर्ण पदक और 4 बार राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए। कुमारी प्रियंका सिंह को प्रदान किया जा रहा है पुरस्कार। टेबल टेनिस के लिए 25,000 रुपए का शहीद पंकज विक्रम सम्मान। कुमारी कविता साहू जिला रायपुर टेलीक्वाइंस के लिए 25,000 रुपए की राशि। शहीद पंकज विक्रम सम्मान कुमारी कविता साहू। कुमारी अशु ध्रुव मिला दरियागंज वॉलीबॉल के लिए शहीद पंकज विक्रम सम्मान राशि 25,000 रुपए। श्री शैलेंद्र सिंह नायक मिला महासमुंद वॉलीबॉल के लिए 25,000 रुपए की राशि। शहीद पंकज विक्रम सम्मान। कुमारी सरला साहू मिला राजनांदगांव रेलवे स्टेशन के लिए 25,000 रुपए की राशि। शहीद पंकज विक्रम सम्मान से आपको नवाजा जा रहा है। कुमारी सरला साहू। श्री योगेंद्र कुमार निषाद बिलादुर कुश्ती के लिए आपको प्रदान किया जा रहा है शहीद पंकज विक्रम सम्मान राशि 25,000 रुपए। सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में 4 बार राज्य का प्रतिनिधित्व आपने किया है श्री योगेंद्र कुमार निषाद। श्री नितिन नागलेकर जिला रायपुर उशू के लिए आपको शहीद पंकज विक्रम सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही 25,000 रुपए की राशि आपको प्रदान की जा रही है। कुमारी सोमेश्वरी साहू जिला दुर्ग को उशू के लिए ही शहीद पंकज विक्रम सम्मान राशि 25,000 रुपए। सीनियर राष्ट्रीय उशू चैंपियनशिप में 1 कांस्य और 3 बार राज्य का प्रतिनिधित्व आपने किया है कुमारी सोमेश्वरी साहू। शहीद विनोद चौबे पुरस्कार 2018-19। श्री श्री कुमार दुर्ग छत्तीसगढ़ मास्टर एथलेटिक्स 25,000 रुपए की राशि और शहीद विनोद चौबे पुरस्कार। श्री विवेक भारत चंद्र जोशी भिलाई हैंडबॉल के लिए आपको प्रदान किया जा रहा है शहीद विनोद चौबे पुरस्कार राशि 25,000। बिलासपुर निवासी शहीद विनोद चौबे भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग के अधिकारी थे। जिला राजनांदगांव में नक्सलियों से लड़ते हुए आप शहीद हो गए। इन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र प्रदान किया गया। 55 वर्ष से अधिक आयु के 5 खिलाड़ियों प्रशिक्षकों को रुपए 1,25,000 के पुरस्कार दिए जा रहे हैं शहीद विनोद चौबे पुरस्कार के रूप में। शहीद विनोद चौबे पुरस्कार के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री शिव कुमार दुर्ग को मास्टर एथलेटिक्स के लिए राशि 25,000 रुपए। श्री विवेक भारत चंद्र जोशी भिलाई हैंडबॉल के लिए शहीद विनोद चौबे पुरस्कार राशि 25,000। श्री अनिल मेमन रायपुर कराते के लिए शहीद विनोद चौबे पुरस्कार राशि 25,000 रुपए। श्री अनिल मेमन। शहीद विनोद चौबे पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा। टेबल टेनिस के लिए आपको प्रदान किया जा रहा है शहीद विनोद चौबे पुरस्कार राशि
दुर्ग कबड्डी के लिए आपको शहीद विनोद चौबे पुरस्कार वर्ष 2018-19 प्रदान किया जा रहा है, राशि 25,000, श्री नामदेव साहू दुर्ग। और इसके बाद हम आपको बता दें, शहीद विनोद चौबे पुरस्कार 55 वर्ष से अधिक आयु के 5 खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को ₹1,25,000 के पुरस्कार दिए जा रहे हैं। और अब मुख्यमंत्री ट्रॉफी पुरस्कार वर्ष 2018-19। मुख्यमंत्री ट्रॉफी पुरस्कार के लिए हम आमंत्रित करते हैं साइकिल पोलो सीनियर महिला दल खिलाड़ी जिला दुर्ग को ₹5,00,000 का पुरस्कार, सीनियर नेशनल साइकिल पोलो चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक के लिए साइकिल पोलो सीनियर महिला दल भिलाई जिला दुर्ग मुख्यमंत्री ट्रॉफी पुरस्कार राशि ₹5,00,000। हम आमंत्रित करते हैं साइकिल पोलो सीनियर महिला के दलों को कि वो आए और ये पुरस्कार प्राप्त करें। इसके बाद तैयार रहेंगे साइकिल पोलो जूनियर बालिका दल भिलाई जिला दुर्ग। इसके बाद तैयार रहेंगी साइकिल पोलो जूनियर बालिका दल भिलाई जिला दुर्ग जूनियर नेशनल साइकिल पोलो चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक आपने प्राप्त किया है। मंच पर है साइकिल पोलो सीनियर महिला दल भिलाई जिला दुर्ग की खिलाड़ी, इन्हें राशि ₹5,00,000 प्रदान किया जा रहा है। सीनियर नेशनल साइकिल पोलो चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक के लिए मुख्यमंत्री ट्रॉफी पुरस्कार वर्ष 2018-19। जोरदार तालियां इन सभी जोरदार खिलाड़ियों के लिए। खेल और युवा कल्याण विभाग आप सभी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता है। इसके बाद हम मंच पर आमंत्रित करते हैं मुख्यमंत्री ट्रॉफी पुरस्कार के अंतर्गत ही साइकिल पोलो जूनियर बालिका दल खिलाड़ी जिला दुर्ग को जूनियर नेशनल साइकिल पोलो चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक आपने प्राप्त किया है, राशि ₹3,00,000 आप सभी को प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ट्रॉफी पुरस्कार साइकिल पोलो जूनियर बालिका दल मिलाई मंच की ओर अग्रसर है। साइकिल पोलो जूनियर बालिका दल बुलाई जिला दुर्ग द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम 2019 में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा जनवरी 2019 में की गई है। उक्त घोषणा के परिपालन में खेल विभाग द्वारा प्रोत्साहन नियमों में संशोधन कर खेलो इंडिया यूथ गेम 2019 में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार इस समारोह में प्रदान किए जा रहे हैं। मंच पर है साइकिल पोलो जूनियर बालिका दल भिलाई जिला दुर्ग की टीम, जूनियर नेशनल साइकिल पोलो चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक आपने प्राप्त किया है, आप सभी को ₹3,00,000 की राशि प्रदान की जा रही है। और अब विशेष सम्मान
रायपुर जहां पर अंकल समारोह में पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। स्मरण भी करता हूं, नमन भी करता हूं जिन्होंने भारत का मान बढ़ाया और आज भी हॉकी में सबसे बढ़िया खिलाड़ी हिंदुस्तान क्या दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा राज्य खेल पुरस्कार अलंकरण समारोह आयोजन आज का दिन किया जा रहा है। मैं सभी आदरणीय मुख्यमंत्री उपस्थित, आदरणीय अमित पटेल जी, आदरणीय यशवंत सिंह जी, आदरणीय नम्रता साहू जी, आदरणीय डॉक्टर संजय शाम जी, मोहम्मद अफर जी, कवासी शर्मा जी, नीला गडिया जी, जयसिंह अग्रवाल जी, आदरणीय जी, आदरणीय शर्मा जी, आदरणीय मनोज जी, विकास उपाध्याय जी, प्रमोद दुबे जी, शर्मा जी और कोमल परदेशी जी, मंच प्रवासी शहीद राजीव पांडे के पिताश्री कर्नल आरपी पांडे जी, श्रीमती शकुंतला पांडे जी, शहीद कौशल यादव की माता श्रीमती धर्मता देवी जी, शहीद रोहतक विक्रम की बहन श्रीमती डुमरे जी, शहीद सुमन चौबे जी की पत्नी श्रीमती चौबे जी, सभी उपस्थित हमारे कई संघों से जुड़े हुए सभी साथीगण उपस्थित देवियों सज्जनों और सभी कोच और सभी खिलाड़ी और मीडिया के सदस्यों, बहुत सारे खेल में बहुत सारे बच्चों को हम लोगों ने आज पुरस्कार पुरस्कृत किया है। ये बच्चे न केवल अपने शहर के, प्रदेश के गौरव बढ़ाए हैं, बल्कि आने वाले समय में देश का भी प्रतिनिधित्व करेंगे और देश का मान बढ़ाएंगे, उसे बाहर काम कराए और काम हो सकता है। खेल के क्षेत्र में एक ऐसा क्षेत्र जिसमें बहुत जल्दी प्रसिद्धि मिलती है, जीवन के शुरुआत में ही खेल एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें पहचान मिलती है, पहचान बन जाती है। कला का क्षेत्र है और खेल का क्षेत्र, राजनीति में तो जितनी आप उम्र उतनी दिन हम लोग चप्पल गिरते सब थोड़े बहुत पहुंचा रहे हैं, लेकिन खेल एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी पहचान बनती है और एक ऐसा क्षेत्र जिससे एक भी बच्चा कहीं गोल्ड मेडल लेकर आता है तो पूरा प्रदेश और देश अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। तो व्यक्तिगत क्षमता भी और दूसरा
सामूहिक क्षमता, दोनों खेल दोनों प्रकार के खेल हैं जिसमें टीम भावना भी है और उसके माध्यम से बहुत सारे खेल हैं जिसमें हम लोग अपनी पहचान बना सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार में इस समय दो प्रमुख निर्णय लिए, खेल प्राधिकरण का और दूसरा अकादमी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत जल्दी हम 55 कोचेज की नियुक्ति करेंगे और आवश्यकता पड़ेगी और भी कोच की नियुक्ति करेंगे। जितने भी हमारे स्ट्रक्चर बनने तैयार हैं वहाँ रहने की भी व्यवस्था, भोजन की भी व्यवस्था, शिक्षा की भी व्यवस्था, ताकि बच्चे वहीं रहें, पढ़े और खेल में भी पूरा ध्यान दें। खेल को बढ़ावा देने के लिए हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ध्यान करके अभी मैं देख रहा था हमारे विधायक दोस्तों के बहुत सारे बच्चे इनाम लेके गए हैं, आधे के लिए तो वहीं रहे हैं। वातावरण मिला लाइन स्टील प्लांट जो जवाहरलाल नेहरू जी की देन है, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए वहाँ बहुत कुछ काम किया गया और यही कारण है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी और खेल के क्षेत्र में भिलाई अग्रणी रहा है। और यही वातावरण हमको पूरे प्रदेश में हर शहर में हर जिले में हर ब्लॉक में बनाना है, ताकि आप यहाँ के बच्चों को खेलने भी मौका मिलना चाहिए, पढ़ने के भी मौका मिलना चाहिए। और अभी शहीद राजीव पांडे जी के, शहीद कौशल यादव जी के, शहीद पंकज विक्रम जी के और विनोद चौबे जी के नाम से हम लोग पुरस्कार घोषणा किए हैं। आने वाले वर्ष में वीरम घाटी जो शहीद हैं उनके नाम से भी पुरस्कार व्यवस्था करेंगे, क्योंकि बहुत देर से आप आए हैं और भोजन भी पिछड़ा रहे जैसे प्रदेशी जी ने बताया। तो मैं ज्यादा से आपका भोजन भी नीचे रहना चाहता हूँ, इसलिए पुनः आप सबको बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए और सभी को भोजन के लिए आमंत्रित करते हुए हमारे ग्राम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपसे निवेदन है, पैरा बैडमिंटन जूनियर दल में एक बच्चा अवार्ड लेने से रह गया है, नाम अनाउंस हुआ लेकिन बच्चा उस पर था नहीं, हम उसे आमंत्रित करते हैं। बच्चे का नाम है अभिजीत सपूजा, पैरा बैडमिंटन जूनियर का ये रजत पदक विजेता है। अभिजीत को हम जोरदार और ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं रायपुर से लाइव, जहां पर खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए पहुंच रहे हैं स्वयं भूपेश बघेल, 21 खिलाड़ियों को शहीद पंकज विक्रम सम्मान और साथ ही साथ आज दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में खेल अलंकरण समारोह में पहुंच रहे हैं प्रिया सिंहदेव जी और साथ ही साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। दो प्रशिक्षकों को भी वीर हनुमान सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और 21 खिलाड़ियों को शहीद पंकज विक्रम सम्मान से नवाजा गया। और आपको बता दें कि 8 खिलाड़ियों को शहीद राजीव पांडे पुरस्कार भी दिया गया है, 7 खिलाड़ियों को शहीद यादव पुरस्कार, शहीद कौशल यादव पुरस्कार दिया और दो प्रशिक्षक हैं उन्हें भी वीर हनुमान सिंह पुरस्कार दिया गया है। और आपको बता दें कि शहीदों के नाम से ये सम्मान दिया जा रहा है सभी खिलाड़ियों को। आपको बता दें कि काफी अहम दिन है खिलाड़ियों के लिए आज का।